इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाया है, जिसके बाद से देश में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर फिर सियासी बवाल शुरू हो गया है। सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी ना संसद में उन्होंने पेश की, ना जनता के सामने रखी। दिग्विजय सिंह द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही गैर जिम्मेदाराना बयान देना है। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं। देश के लिए भक्ति भाव भी जो है वो समाप्त हो गया है। वहीं बीजेपी नेता एवं प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जी मस्ट टेल अस दैट व्हाट काइंड ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी दे आर जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ दिग्विजय सिंह। दे आर सेइंग दिस इज वन पर्सन्स व्यू विद इन द कांग्रेस। सो इज द कांग्रेस पार्टी कीपिंग अ व्यू दैट रन्स कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ आवर आर्म फोर्सेस एंड द मनोबल ऑफ आवर आर्म फोर्सेस? दिस काइंड ऑफ राजनीति ओवर राष्ट्र नीति इज परमिसेबल इन द कांग्रेस पार्टी? This is a bizarre defense for insult to the desh, insult to the veers, insult to our braves. This is ridiculous. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए, सुनिए क्या बोला। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है, श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। हालांकि जहां बीजेपी एक तरफ दिग्विजय सिंह पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मामले में दिग्विजय सिंह के विचारों से दूरी बनाए दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट कर दिया कि वो दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान से सहमत नहीं है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह का ये बयान भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि इस बयान का असर यात्रा पर भी दिखेगा, तो सुनिए वो क्या बोले। राहुल जी, आप लगातार कन्याकुमारी से आ रहे हैं, पदयात्रा करके आ रहे हैं, आप बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, आप महंगाई का विषय उठा रहे हैं, लेकिन कल मंच से जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, जो आपत्तिजनक बयान दिया, आपको नहीं लगता कि जो आपने अब तक इतनी मेहनत की है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया? नहीं, एक कॉमेंट से राहुल जी। नो, आई डोंट थिंक सो।
I don't think so. I think the Yatra has achieved something fundamental and very powerful. And this Yatra has changed the narrative in the country. You in the media might not like to accept it, but it's a fact, right? And nothing can change that. One or two comments, you know, that are said by a leader are not going to change the fundamental fact that the Yatra has been a success, the Yatra has brought India together, the Yatra has shown that Indian people believe much more in love and affection than in hatred and anger. So I am quite pleased by what this Yatra has achieved. वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके एक तरह से दिग्विजय द्वारा खड़े किए गए विवाद में से कांग्रेस का नाम हटाने की कोशिश की। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। यूपीए सरकार ने भी 2014 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय हित में हर तरह की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है और समर्थन करना जारी रखेगी। बीजेपी के हमले और कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर दूरी बनाने के बाद दिग्विजय सिंह के सुर भी बदले हुए से दिखे। दिग्विजय ने मंगलवार को कहा कि वो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं और उनको सर्वोच्च स्थान देते हैं। But we NIS already presented a charge sheet in this regard. That is a bulkiest charge sheet that says the 19 people were in that charge sheet, including Masood Azhar, handiwork of Pakistan. प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। दिग्विजय सिंह के बयान से बखेड़ा तो खड़ा हुआ ही है। देखना अब ये होगा कि क्या कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर पाएगी।